तेरा बाप आया। फट दैट शॉट। तो हेलो गेमर्स, के हाल चाल है आप लोगों का? आप लोगों का स्वागत है बहुत ही दिन बाद एक और गेम प्ले। और इस गेम प्ले में हम यहाँ पे आए थे गोल्डन मैप पे टेंपल पे। और आपको तो पता है कि पबजी बैन होने के बाद क्या क्या हो गया था, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल रहा था, मतलब मैं खेलना छोड़ ही दिया था। मेरे दोस्तों ने कहा कि मत छोड़ तेरा यूट्यूब चैनल है, इसलिए वापस आ गया आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे हमें आया था टेम्पल के साइड, और यहाँ पे ट्रायो का डेमो चल रहा है, आप लोगों को दिख ही गया होगा। और यहाँ पे मुझे लकली एसकेस और एसटीएल के मिल जाता है, और आप बस फाइट का एंजॉय लो। और यहाँ पे एक नंबर तो मर चुका था, किसी ने मार दिया था उसको। और यहाँ पे मुझे भेस्ट मिलता है लेवल 2 का, सामने बंदा होता है, आप बस देखना। अब इसको मारने के बाद इसका टीममेट भी आता है, तो उसको भी मिलता है। तो इन्हें मारने के बाद मैं इस बॉट को मारता हूँ इसके से, और ये पहले से डैमेज था इसलिए नॉक हो गया था, और इनको मैं फिनिश कर देता हूँ। तो वहाँ पे आपको जो तीन बंदे दिखे थे ना पैरासूट लैंडिंग करते हैं, उनमें से एक बंदा ऑफलाइन निकलता है, मतलब दो बंदे ही थे, और दोनों बंदों को मैंने मार दिया था, और ऑफलाइन वाले को भी मैंने मार दिया था, और यहाँ पे इस बॉट को भी, और इसको और वो पिछले वाले बॉट को मारने से टोटल मेरा होता है 5 किल। और हम लोग वहाँ से यहाँ पे आ जाते हैं नदी के इस पर, एक बंदा होता है वाइट ड्रेस में, तो उसको भी मैं मार देता हूँ, देखना। I think real. पड़ ही है वो बंदा। अच्छा, अब देखो बहुत लोगों को लगेगा कि ये जो मतलब जो रिकॉइल है, ये रिकॉइल आप लोगों को भी लगेगा कि रिकॉइल हुआ क्यों नहीं, क्या मैंने हैक यूज़ किया था या और कुछ, लेकिन नहीं, मैंने सेंसिटिविटी सेटिंग किया था, बहुत लोगों को लगेगा इसलिए मैंने बता दिया पहले ही। ये एक रिकॉइल ट्रिक है, और आप अगर मेरा सेंसिटिविटी सेटिंग देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट से जरूर बताना, मैं आपको मेरा सेंसिटिविटी सेटिंग भी दिखा दूंगा। अब इतने सब कुछ के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ मिलिट्री स्कूल के पास, एयर ड्रॉप के पास, और यहाँ पे एक बंदा मेरे टीममेट पे शॉट ले रहा था, तो वो बंदा साइड पे चला गया था, और मेरे टीममेट ने एक बंदे को नॉक कर दिया था उनमें से। वहाँ पे शायद एक स्क्वाड था, मुझे श्योरली पता नहीं था, और यहाँ पे बस देखना आप। और ये बंदा मुझे मार ही डालता था, लेकिन मैंने सही टाइम प्रोनन शूट यूज किया और इस बंदे को मार दिया। तो ये भी एक टिप है आप लोगों के लिए कि हमेशा मतलब ऐसे सिचुएशन पे प्रोनन शूट करो। और सामने वहाँ पे भी एक बंदा है जिसका सर आपको दिख गया होगा, तो मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़े शॉट लूँ इसके से कि उसके हेड पे लगा और मर जाए, लेकिन वो मेरे टीममेट को मार ही डालता है आखिर में। और यहाँ पे देखना आप, तो जिस बंदे को अभी मैंने मारा उसका टीममेट मेरे टीममेट को मार देता है नॉक हालत में ही। और ये जो बंदा है, ये बंदा लेफ्ट साइड देख रहा था, मतलब लेफ्ट साइड पे भी एक बंदा होता है, मतलब एक टीम होता है, और इसको मैंने फिनिश करते ही अंदर चला गया, और मतलब ज़्यादा जोश के कारण यहाँ पे मैं अटक रहा था बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे एक और फुटस्टेप आता है बहुत तेज, हिट लगे नहीं आगे को, तो उस बंदे को लगा था कि वो इस साइड से आएगा और मुझे मार डालेगा, लेकिन यहाँ पे दीवार है उसको कैसे पता चलेगा। और यहाँ पे मैं साइड पे आया और हील किया, रिलैक्स होके फिर उस पर रश किया। तो इसको मैंने शॉट दिया लेकिन इसका कुछ भी नहीं हुआ, और इसका एक टीममेट भी होता है मेरे राइट साइड पे, नीचे से ही वो आता है, तो यहाँ पे देखना। और साइड पे भी एक टीम होता है जिसको वो वाला बंदा देख रहा था, तो इसके पास ऑम भी है। और मैं लाल मतलब मेरा थोड़ा लालच भर गया था कि लेकिन यहाँ पे एक और बंदा भी है और साइड से ही पड़ रहा था, तो मैं यहाँ पे पूरा कंफ्यूज हो गया था कि हमें किसको छोड़ के किसको मारूं। तो यहाँ पे बस देखना, तो इससे वो वाला टीम खत्म हो जाता है जो यहाँ पे,
तो आप लोगों को दिख ही गया होगा कि कितना ज़्यादा डैमेज दे रहे थे वो बंदे। और वहाँ पे तो तीन बीच तीन हाँ बंदे होते हैं जो मुझे बाद में पता चला स्कोप करने के हेल्प बाद लगे यहाँ नहीं पे। हेल्प लगे नहीं हेल्प आप लगे लोग नहीं देख लो। तीन जोड़ा से पार्ट पिक करो ना जैसे सुई आचे थके मतलब मारो वो लोग अभी ट्राई कर रहे थे कि मुझको मार सके लेकिन मुझे नहीं गाचे लगा। फॉल बैक करे ना फिर मैंने सोचा कि यहाँ से भाग जाना ही सबसे बेहतर रहेगा अभी, क्योंकि अगर वो तीनों बंदे रश कर देते हैं ना तो मैं बिल्कुल ख़त्म, मेरा गेम ही ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने नाइस थोड़ा साइड से भागने का ट्राई किया और यहाँ पे लूटना एक लूटना बॉट के था, बा अमर मतलब लूट रहे ऐसे पाना टाइम पे पूछ लूट बॉट टच क्यों आ में जाते हैं यू नो पता नहीं। फिर मुझे यहाँ पे थोड़ा एमो चाहिए था तो अच्छी और बॉक्स यहाँ पे पास है एक बंदा रिवाइव हो चुका था। और यहाँ पे देखना एनिमी और इस वाले बंदे को तो मैंने नॉक कर दिया था फिर से। और ये जो सामने वाला बंदा होता है ये वाला बंदा मुझे पार्ट मार पेचन देता है। पाथर पेचन पाथर पेचन पेचन पाथर पेचन दूजा ना चिकन तो जाओ ना मुड़े अबे। अब देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ठीक है बालो कर मेरा भी फॉल्ट बालो कर और मेरे पास एमओ भी नहीं था और यहाँ पे दो बंदे थे मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कि एक ही बंदा है तो इस वजह से मैं मर गया। अब इस गेम में मैं तो थर्ड हिल पे और थर्ड हिल पे तो बंदे आते ही नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो मतलब ये बॉट मतलब तीन जन बॉट तो है अलग अलग बॉट उधर रहते हैं और यहाँ पे अलग वहाँ पे लोग गाड़ी से ना होता है। मैं आपको दिखाता हूँ इखाने लूट सबसे पर पहले मैं इस तातरी घर जाओ में ना आता हूँ और यहाँ से बैग उठाता हूँ तो मैं यहाँ से इसको छोड़ देता हूँ इस वाले घर को। और यहाँ से आप देख लो ये मतलब कैसा ग्लिच है, बहुत ही ज्यादा हंसी आई मुझे उस टाइम पे कि ये बंदा देखो आप खुद ही देख लो कि ये बंदा कैसे जा रहा है, मतलब ये बंदा नहीं बॉट ही है, पैराशूट और देख देख के आप लोग समझ सकते हो। तो मैं पहले बहुत ही शॉक हो गया था और मैंने बस वीडियोस में और फोटोज में देखा था और बहुत ही अच्छा हो रहा है। अगर कोई रियल प्लेयर के साथ होता तो बिल्कुल गड़बड़ी हो जाता उसके साथ। अब देखो थर्ड हिल के साइड तो कोई आया नहीं था इसलिए मैंने सबसे पहले सेंट्रल रोड के साइड चलते हैं और यहां बाकी बाकी है और ये ऊपर के साइड जो बंदा होता है जिसे मैंने अभी शॉट लिया ये वाला बंदा रियल बंदा होता है और इस बंदे को मैं शॉट लेता हूँ लेकिन पता नहीं कहाँ भाग जाता हूँ वहाँ पे सब कवर। अरे अमर का जैसे रेड डॉट मार दो यहाँ पे एक स्कॉट तो होगा ही लेफ्ट साइड भाई ये बॉट के साथ इस बंदे को मैं मारता हूँ मतलब बॉट पे। अरे लोग रियल प्लेयर रियल प्लेयर देता हूँ मारने के लिए और यहाँ पे किसको छोड़ किसको मारता हूँ। अरे 420 कितना किल चोरी करे तो इसको मैंने किल कर दिया था। और यहाँ साइड से उस वाले घर से दो बंदे अभी भी जिंदा थे और दो बंदे अभी मार गए थे। तो आप यहाँ पे बता दो मतलब क्या सा किल चोरी हुआ यहाँ पे, मैंने पूरा हेड पे लगाया इतने सारे शॉट्स आपके सामने और मेरा बंदा किल चोरी कर जाता है। अब यहाँ पे मेरे टीममेट को एक बंदा नॉक कर तो यहाँ पे देखना गुड और इसको मारते ही मैंने पूरा फिनिश कर दिया। फिंगर अब देखो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो लोग अभी लाइक कर दो क्योंकि ये वाला सीन देखने के बाद आपको लाइक करना ही पड़ेगा। तो आप लोगों को शायद मजा आया इस वाले सीन के लिए। तो जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दो, लाइक नहीं करना चाहिए तो कोई बात नहीं सब्सक्राइब कर सकते हो आप लोग ऐसे वीडियोस और भी ज़्यादा देखने के लिए। तो ये बंदा मुझे फिनिश करने वाला था और हमारा जो चार नंबर है वो हम लोगों को बचा लेता है। तो हाँ सारा खतरा अभी तक टला नहीं है, जो सामने बंदा होता है ये वाला बंदा मुझ पे शॉट लेता है और मैं इसको फिनिश भी कर देता हूँ। और इसके बाद हम लोग यहाँ से थोड़ा लूट करके जाते हैं जोन। उसके बाद हम लोग विलेज के साइड आ जाते हैं और यहाँ विलेज के साइड एक बॉट को मैं मारने के बाद यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे दो बंदे होते हैं ऊपर जिसको मैं पहले बंदे को स्ट्रेंथ से मारता हूँ और आखिरी बंदा होता है जो इस गेम प्ले मतलब इस गेम प्ले मेरे वजह से जीत जाते हैं मेरी टीम। और ये फाइट आप लोग एंजॉय कर लो। और हाँ इसको मारने के बाद मैंने पूरा फिनिश कर दिया सीधे ऊपर रश कर दिया। तो इस तरह से हम लोगों को मिल जाता है चिकन डिनर। और ये जो गेम प्ले है ये गेम प्ले आप लोग लाइक कर दो जिन लोगों ने अभी तक लाइक किया और चैनल पर अगर नया हो तो सब्सक्राइब कर लो नीचे जो लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आज से आपको गेम प्ले मिलते रहेंगे, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। म्यूजिक Oh, no.